कि आज हमने एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया था जिसमें हमारे प्रदेश से भी लोग जुड़े हुए थे। इसमें हमने ये फैसला लिया कि हम युवा मोर्चा बूथ बूथ तक जाकर युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी देगा और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जिस प्रकार से इस देश में कांग्रेसी और वामपंथी द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसका भी हम भरपूर जवाब देंगे। देखिए, इन लोगों ने हमेशा ही मोदी सरकार जी ने जो भी विरोध किया है, मगर जनता ने हमेशा इनका कड़ा जवाब दिया है। अगर योजना जो सरकार ने लागू की है वो युवाओं के लिए बहुत बेहतर योजना है, मगर ये फोर्स के जो दलाल हैं इनसे हमें स्पष्टीकरण लेने की जरूरत नहीं है। हम युवाओं को जाकर जागरूक करेंगे और बूथ बूथ तक जाकर युवाओं को इस योजना के फायदे के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, जो ये अग्निपथ योजना का जो ये विरोध किया जा रहा है, ये जो कांग्रेस ये जो आंदोलन चला रही है, मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। सरकारी जगहों को तोड़फोड़ करनी, सरकारी सामग्रियों की तोड़फोड़ करनी, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रही है। अग्निपथ योजना के बारे में जो अग्निवीरों के बारे में जो गुमराह किए करने की बात है, तो इसमें दो तीन बातें बहुत स्पष्ट तरह से कहना चाहता हूँ कि मैं जो अग्निपथ, तो जितने भी लोग जो ये विरोध कर रहे हैं, एक बार कृपया इस योजना के बारे में आप ध्यान से एक बार जांच कीजिएगा। जी, जिस तरह के मैं तो जितने भी युवा हैं उनसे ये उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप 17 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र के लोग इसमें आप अपना नामांकन भर सकते हैं, और जितने भी युवा हैं आप 21-22 साल की उम्र में आपके खाते में मात्र 23 लाख की एक राशि भरी जाएगी। तो 23 साल की उम्र में कई ऐसे युवा हैं, मैं तो इतना भी ये बोलता हूँ कि जितने भी युवा, अधिकतम युवा जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके माता पिता इस योजना से बहुत खुश होंगे। एक मुख्य बिंदु इसमें यह है कि 25% जितने भी अग्निवीर के जितने भी भर्ती होंगे अग्निवीर के योजना में, जितने भी लोग भर्ती होंगे इसमें 25% लोग फौज में जाएंगे। और एक और मुख्य बिंदु है कि आप जो भी फौज से अग्निवीर के योद्धा होकर वापस आएगा, उसमें से आपके पास 21 लाख की राशि होगी, जो 21 लाख आप 21 साल की उम्र में आप अन्य कार्यों में आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और मुख्य बिंदु है, यदि आपको अग्निवीर के समय यदि आपको सीमा पर लड़ना पड़ता है, आप एक शहीद घोषित किए जाएंगे, और आपको 1 करोड़ की राशि भी, जो इस अग्निवीर के समय में यदि आप देश के लिए अपनी जान समर्पित करते हैं, तो आपको 1 करोड़ की राशि भी आपको इसमें मिलेगी। देखिए, अग्निपथ योजना जो है एक मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो मोदी सरकार ने किया है। ये पिछले एक दशक से जो इस योजना पे काम चल रहा था, 1990 के बाद से लेकर जो है ये आर्म फोर्सेस प्लानिंग कर रही थी इस तरह की योजना की। और उसी जब कारगिल का हमारा युद्ध हुआ, उसके बाद भी कारगिल वॉर कमेटी जो बैठी, उन्होंने भी इस योजना पर विचार किया। और 2006 में जो तत्कालीन सरकार थी केंद्र में, उसके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसका एक ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन वो फाइल कहीं ना कहीं दबी रह गई क्योंकि उसमें उन सरकार में वो विल पावर नहीं थी। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वो अपनी विल दिखाई है और इतना बड़ा रिफॉर्म जो है आर्म फोर्सेज के लिए किया है। देखिए, अग्निपथ योजना जानना ज़रूरी है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस तरह की योजना की। बदलते समय के साथ जो हमारा लड़ने का तौर तरीका है अलग अलग देशों का, वो बदल रहा है। अब सारे देश जो है टैक्स सेवी हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, अब आधुनिकता का युग जो है बढ़ रहा है। हमारे पास फोर्सेस की कमी नहीं है, अभी हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट जो मिलिट्री हमारे पास स्ट्रेंथ वाइज इंडिया में है, 14 लाख हमारे उसमें एक्टिव पर्सनल हैं, और हमारे पास 11.5 लाख के करीब जो है उसमें रिजर्व पर्सनल हमारे पास आर्म फोर्सेज में है। और पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो 25 लाख के करीब उसमें हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज की स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ वाइज इंडिया चाइना से आगे है, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे हम चाइना, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उससे हम काफ़ी पीछे हैं। जो अभी बदलते समय के साथ आपने देखा होगा बॉर्डर पे भी काफ़ी टेंशन चाइना के साथ चल रही है, उसलिए हमको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे हमारा जो नेवल, हमारा जो एयरबेस है, उन्हें जो है मजबूत करने की ज़रूरत हो। इसलिए जो हमारा जो बजट, जो भारत का जो बजट है, उसका जो 56% जो हिस्सा है वो डिफेंस का बजट रहता है भारत में जो, और उस 56% में से जो है उसका 80% जो है हम वो सैलरीज और पेंशन में वो खर्च करते हैं, और जो हमारे पास जो कैपिटल बचता है वो 20% के लगभग बचता है जिससे हम अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये जो एक काफ़ी गेम चेंजर जो है ये रिफॉर्म साबित होगा अभी आने वाले समय में। मुझे लगता है जो इसके प्रति विरोध हो रहा है, ये जो असामाजिक तत्व और विपक्षी पार्टियाँ हैं जो है इस पर भ्रम फैला रही हैं युवाओं के बीच में कि ये योजना जो युवाओं के लिए ठीक नहीं है, तो अभी जब ये इम्प्लीमेंट होगी अभी यहाँ पर धीरे धीरे, तो अभी इसके अच्छे जो परिणाम आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे।